कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा था। मोदी सरकार ने बाढ़, सूखा, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों को सहायता देने के लिए ऐतिहासिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। कम से कम प्रीमियम में पूरी फसल का मुआवजा देने वाली ये योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू होगी। नई योजना में फसल तैयार होने के बाद भी अगर नुकसान हुआ तो भरपाई होगी। अभी तक सरकारी सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय थी। नई योजना में पूरी बीमा राशि दी जाएगी। फसल के नुकसान के सटीक आंकलन और बीमा का पैसा जल्द दिलाने के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहले फसल नष्ट हो जाती थी तो कुछ नहीं मिलता था किसान को, अब बीमा अगर करा लेंगे, सरकार बीमा कराएगी तो इससे किसान को लाभ होगा। दरअसल पिछली सरकारों में जो दो फसल बीमा योजनाएं शुरू की गई थी उनका प्रीमियम 15% था। इन योजनाओं में केवल 23% किसानों ने ही बीमा कराया था। इन बीमा योजनाओं में कई विसंगतियां भी थीं, जिन्हें दूर करके सरकार ने नई फसल बीमा योजना शुरू की है। बीमा योजना नहीं थी तो किसान को हर तरह की खुदकशी तक करनी पड़ जाती थी। अब वो पैसा मिल जाएगा तो उससे ऐसी नौबत नहीं आएगी।